साथियों, भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं अपनी पत्नी अर्धांगिनी पार्वती के समेत। पार्वती जी कुछ उनसे प्रसंग करना चाहती हैं, पूछना चाहती हैं। देखो क्या पूछती हैं और भोलेनाथ उन्हें क्या बताते हैं। हे प्रभु, आप क्यों इतना उदास बैठे हो? हे प्रभु, आप कोई हमारे मन में कोई शांति मिले। अति आरती पूछो सुर राया, रघुपति कथा कहो कर दाया। ठीक है प्रिय, ये बताओ तुम्हारी हार्दिक अभिलाषा क्या है, उसे मैं पूरा करूं। हे प्रभु, मैं राम की कथा सुनना चाहती हूँ, जिसमें मेरे मन को शांति मिले। ठीक है प्रिय। हे प्रिय, तुम उनकी कथा को क्या सुनोगी? हेलो, जिस समय उन्होंने मानव का तन धारण किया, उस परब्रह्म परमेश्वर ने जो मेरे आराध्य है, इष्ट है, नाना प्रकार के कष्टों को झेला। हाँ प्रिय, मैं सत्य कहता हूं, मनुष्य का तारण धारण कर लेने के बाद उनको नाना प्रकार की यातनाएं, नाना प्रकार के कष्ट झेलने पड़े। ऐसा क्यों हुआ प्रभु, आप कहिए ना। अगर तुम सुनना चाहती हो तो मैं तुम्हें विस्तार से कथा को सुनाता हूं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एकतेका। हे प्रिय, वैसे तो उनके जन्म के अनेक कारण हैं, लेकिन जो ये मुख्य कारण है वो मैं तुम्हें सुनाता हूं। हे प्रिय, एक समय ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र देवऋषि नारद हैं, उन्होंने भगवान परब्रह्म परमेश्वर मेरे इष्ट भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। तो क्या प्रभु, आप श्राप दिया था? इसी ऋषि नारद तो उनके परम भक्त हैं, उन्होंने श्राप कैसे दिया प्रभु? हाँ प्रिय, ये सत्य है, सुनो मैं इसे तुम्हें विस्तार से सुनाता हूं। एक समय देवऋषि नारद भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए हिमगिर गुहा की तरफ चले। अरे रामा हिमगिर गुहा, जब जा हो वे धर्म की हानी वहां अवश्य लगा के जा।
हुए आनंद नहीं आता है। यहां तो मैं कभी भी भ्रमण कर सकता हूं। बहुत ज्यादा दिन हो गया मैंने मृतलोक का भ्रमण नहीं किया है, इसलिए आज चल करके मृतलोक का भ्रमण करता हूं। अब सीधे मैं स्वर्गलोक से मृतलोक की तरफ चलता हूं। नारायण प्रणाम तो करने के योग्य मेरे वाणी में बल ही नहीं है, ये तो मेरे स्वर्गपुरी से भी बहुत अच्छा रानी दिखाई दे रहा है। तो हिमगिरि गुहा हिमालय पहाड़ से निकली हुई सुरसरी के रमणीक धारा, और इतना रमणीक स्थान तो मेरे स्वर्गपुरी में भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए मेरा मन विभोर विभोर कर रहा है कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने भगवान के चरणों में तपस्या में लीन हो जाऊं। चल करके हमें इसी समय तपस्या में लीन हो जाना चाहिए। और श्रीमन नारायण नारायण इस प्रकार से ऋषिराज नारद हिमालय की गुफा में जाकर के और भगवान के नाम की अखंड समाधि लगा लेते हैं। वहीं पर उनका उनके ध्यान में मग्न हो जाते हैं, तपस्या करने लगते हैं। फिर आगे देखो कि क्या होता है। रम मुनि गति देख, ये तो मेरा सिंहासन हिल रहा है। हमें लगता है एकाएक आपने क्यों याद किया, क्या हुआ? याद किया था अपने मित्र कांवर देव को, लेकिन तू आ गया तो अच्छा हुआ। मैं चाहता हूं कांवर देव के जाने से पहले जाकर के तुम ये पता लगाओ कि मेरे इस राज को कौन लेना चाहता है अपने तपस्या के बल से। कोई तपस्वी तपस्या कर रहा है महाराज, यानी आपका ये राज सिंहासन हिल रहा है। महाराज ऐसा तो नहीं हुआ कि कहीं मुसरी के नानी सुसरी छेद के दिन हो। अरे बेवकूफ, इस तरीके से सिंहासन हिलता है महाराज? जब उमा बोल हो जी तो ऑटोमेटिक खाले लगे। बकवास मत करो, जो मैं कहता हूं उसे ध्यान पूर्वक सुनो। ठीक है महाराज, आपके आदेश अनुसार मैं जा रहा हूँ। जाओ। और जाऊंगा जंगलों पहाड़ों और बीहड़ों में ये पता लगाऊंगा कि कौन है शास्त्री मुन्नि। सहित महाराज के जीवन की जय जयकार हो। क्या खबर लेकर के आए हो महाराज? जो मैं अपनी नजरों से देख कर आया हूं उसे अवश्य बताऊंगा महाराज जी। और महाराज जंगल के अंदर बंदा हवा जो खाता, महाराज जंगल के अंदर बंदा हवा, महाराज जंगल के अंदर बंदा हवा जो खाता है, हाथ का मंडल बगल मृग छाला माला को गुटका। हाँ
दूर से चमकी एक गुफा वहां साधु बैठ दिखाता है, दूर से चमकी एक गुफा वहां साधु बैठ दूर से चमकी एक गुफा वहां साधु बैठ दिखाता है और ब्रह्मा जी का बेटा है वो नारद ऋषि कहलाता है, ब्रह्मा जी का बेटे हैं वो नारद ऋषि। महाराज आपका इस राज सिंहासन हिलने का यही कारण है कि देवऋषि नारद एक पहाड़ी गुफा में बैठकर तपस्या कर रहे हैं। मैं समझ गया, वो माया मोह में फंसकर ऐसा कोई तपस्वी है जो तपस्या के बल से मेरे इस राजसिंहासन को राज को लेना चाहता है। हाँ हाँ महाराज, यही बात मेरे भी समझ में आ रही है। अब उसके लिए मेरे पास एक ही विकल्प है, मैं अपने मायावी कामदेव मित्र को बुलाता हूँ और उसी के माध्यम से उसके तपस्या को भंग कराता हूँ। जो आज्ञा महाराज। जब आप अपने मित्र कामदेव मित्र कामदेव मेरी रक्षा करो। कोई याद कर रहा है? लगता है मेरे मित्र इंद्र पर संकट आ गया है, इसलिए मुझे उन्होंने याद किया है। मुझे अवश्य जाकर के देखना चाहिए। मित्र कामदेव उपस्थित हूं मैं मित्रवर, कहिए सुरपति राज। उपस्थित हूं मैं मित्रवर, कहिए सुरपति राज, क्या आज्ञा मोहे होत है देवन के सरताज। मित्र कामदेव। हाँ मित्र, कहो। आज मेरे साथ छल हो रहा है, कोई तपस्वी तपस्या कर रहा है और तपस्या के बल से मेरे राज्य को लेना चाहता है, मेरे राज सिंहासन को छीनना चाहता है, इसलिए तुम जाकर के मेरी सहायता करो और उस तपस्वी की तपस्या को भंग कर दो। कौन सी बात है नाथ बड़ी, अब ही मुनिराज के ध्यान छुड़ाऊ, लैर तु राज दिखाई के तान तरंगन मैं बोराऊ। काम कला रच के बहु भाती, जो ने मुनि के भंग डिगाऊ, जो ने करहू प्रभु नाम जग में, निज नाम ने अपना काम कहूं। बस मित्र आप तो बस आज्ञा दीजिए। मित्र मेरे तरफ से सम्मान सहित आदेश है और तुम जाओ, मेरी अप्सराओं को भी लेते जाओ, अगर आपके माध्यम से ऐसा कार्य सिद्ध नहीं होता है तो अप्सराओं को लगा देना वहां पर। जो आज्ञा मित्र। रामात्य ही आश्रम है।